नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खजुराहो में राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन में हुए शामिल। वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने भोपाल में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर राजपत्रित अधिकारी संघ के महाधिवेशन को किया संबोधित। और राजस्व मंत्री मशंकर गुप्ता ने राष्ट्रीय राजमाता विजया राजे सिंधिया महिला हॉकी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खजुराहो में बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में आयोजित राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सागर संभाग में सभी छोटे बड़े तालाबों का सीमांकन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। गांव-गांव में नए तालाब बनाने के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक नए तालाब, चौक डैम, स्टॉप डैम, नाले बनाने के अलावा बोरी बंधान के कार्य भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन का प्राण है जल, इसीलिए जल संरक्षण के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। तालाबों का और जल संरक्षण का निर्माण करके बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की जनता की तस्वीर भी बदलेंगे। इसके बिना नहीं होगा और उसके साथ साथ इस बरसात में व्यापक पेड़ लगाने का अभियान भी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भोपाल में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर राजपत्रित अधिकारी संघ के महाधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्व के बिना कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। हाल ही के सालों में विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें वाणिज्यिक कर विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा की वजह से प्रदेश के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व सरकार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी और उन्हें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने इस मौके पर संघ की स्मारिका का विमोचन भी किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति श्रम मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा है कि हर परिस्थिति में खाद्यान्न का वितरण चालू माह में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण एक महीने पहले होना चाहिए। खाद्यान्न परिवहन में देरी करने पर संबंधित परिवहन एजेंसी पर पेनल्टी भी अधिरोपित की जाए। उन्होंने ये निर्देश ग्वालियर और चंबल संभाग में खाद्य नागरिक आपूर्ति और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक का मोती महल स्थित मानस सभागार में आयोजित की गई थी। आवास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी, अमृत परियोजना और नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से 2019 तक ग्वालियर की तस्वीरें बदली बदली नजर आएंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरों के समग्र विकास के लिए समग्र योजना तैयार कर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिला गौपालन और पशुधन संवर्धन समिति की बैठक उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में रीवा में संपन्न हुई। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार बसामन मामा ग्राम पूर्वा में आदर्श और उत्कृष्ट गौ अभ्यारण बनाया जाएगा। गौरतलब है कि वृहद गौशाला गौ अभ्यारण बनाने के लिए प्रथम चरण में अधोसंरचना विकास के लिए 50,000 रूपए स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इस बीटिंग फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।